हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं नहा धोवा के तैयार होके जा रही हूँ नीचे, मतलब नाश्ता वास्ता करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद से खेलेंगे होली, भर भर के खेलेंगे होली। और आप लोग मुझे देख के सोच रहे होंगे कि मैं होली खेलने जा रही हूँ, तो जी हाँ, मैंने बालों में खूब तेल लगाया हुआ है, तेली तेली लग रही हूँ ना। सानवी हैप्पी होली। चल भाभी ना दही बड़ा बनाने वाली थी, तो वही मैं बड़े को बस फ्राई कर रही थी। बाकी सब कुछ जो तैयारियां थी ना, वो सब भाभी ने किया था। मैं बस खड़ी होके यहाँ पे तल रही थी, मतलब नाश्ते में बना था ब्रेड पकौड़ा, उसकी भी तैयारी भाभी पहले ही से ही करके रखी थी, बस मुझे तलना था, तो वही मैं तल रही थी। और उसके बाद से सब लोग मतलब अपने बालों में तेल लगाए थे, मैं भी खूब तेल लगाई थी, मुंह में तेल लगाया था ताकि ना मेरे बालों पे और मेरे फेस पे ज़्यादा कलर ना चढ़े, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे कलर चढ़ा था ना कि क्या बताऊँ। आप लोगों के यहाँ होली की तैयारियाँ कैसी हुई थी, आप लोगों ने होली कैसे मनाया था ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आ गए होली खेलने। भैया बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे कुर्सी पे, फिर मैंने पीछे से उनको कलर डाल दिया, चौक गए एकदम से। पहली बार मैंने भैया को मतलब इस तरह से कलर डाला है, और ऐसे बैठे थे, फिर मैंने सूखा कलर भी डाला ताकि खूब भैया मतलब बहुत दिन तक छूटे ना। फिर यहाँ पे मेरी और भाभी की होली शुरू हो गई। उसके बाद से यहाँ पे दीदी भी खड़ी थी ना, तो जब मैंने भाभी को रंग लगाया तो बेचारी चुपचाप देख रही थी कहीं मतलब मैं उनको ना लगा दूँ। फिर मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, चुपचाप से गई और सूखा रंग लेके, मतलब पानी नहीं डाला मैंने, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि बिना कलर के बिना उनको लगाए मैं कैसे रह जाती, तो मैंने पानी नहीं डाला उनको, सूखा सूखा जितना भी कलर था सब मैंने उनके ऊपर डाल दिया, पैकेट फाड़ फाड़ के, ताकि जब वो थोड़ा सा भी पानी डालें तो भीग जाएं। मैंने उनके ऊपर भीगा पानी नहीं डाला, सिर्फ सूखा कलर डालने के बाद थोड़ा सा ही पानी डाला ना, फिर वो मतलब पूरा कलर फैल गया। खूब मज़ा आया, हम लोग खूब होली खेले। उसके बाद आप लोग मेरे वीडियो में ना आगे खूब इंजॉय करिएगा, हम लोगों ने खूब भर भर के डांस किया हुआ है। रुक जाओगे? नहीं, खत्म हो गया तो होगी ना। फिर खूब होली खेलने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने डांस किया, खूब डांस किया। उसके बाद से ना आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले ही बता दूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक जाए। और ये जो होली का ब्लॉग है ना, ये मैंने पहले डाल दिया, क्योंकि क्या है कि होली अभी आ गई और जो मैं घूमने गई थी वो होली के पहले ही गई थी, फिर मैं कहाँ गई थी वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, उसका ब्लॉग अभी मैंने नहीं डाला है, वो भी मैं डालूंगी। फिर उसके बाद से यहाँ पे होली होली खेलने के बाद नहा धोवा के फिर हम लोग बैठे थे, मतलब यहाँ पे शाम की तैयारी हो रही थी कि क्या बनेगा, तो प्याज वही प्याज लहसुन सब लोग मतलब साथ में मिलके, हम भाभी और मेरी ननद, मतलब देवरानी जेठानी और ननद, और वो जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं सूट पहन के, वो मेरी भांजी हैं, मतलब मेरी ननद की बेटी हैं। आप लोगों को पहले कभी वो ब्लॉग में नहीं दिखी होंगी। और वहाँ पे उधर सब बच्चे अपना खेल रहे थे, कैरम ये भी थे साथ में बच्चों के, तो वो जाती
फिर हम लोगों ने शाम के टाइम पे यहाँ पे खूब डांस किया और एक दूसरे को अबीर लगाया। मतलब यहाँ मैं अभी दीदी को, भाभी को, दोनों लोग जो जिठाने हैं उन लोगों को और मेरी जो ननद है उनको, बच्चों को, सबको मैंने अबीर लगाया और सबका मैंने पैर छुया, फिर हग किया। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने खूब डांस किया। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मतलब जो भी मेरे घर में जेंट्स हैं ना, सब लोगों ने खूब डांस किया उसका, और फिर बच्चों ने भी खूब डांस किया। और ये देखिए, ये मेरी भांजी बहुत प्यारी हैं मतलब मुझे बहुत प्यार करती हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे कलर लगा लगा के, अभी लगा लगा के मैं डांस कर रही थी, पता नहीं क्यों, मतलब जैसे जैसे गाना बज रहा था पैर ही नहीं रुक रहा था, जैसे लग रहा था, मतलब खूब डांस किया हम लोगों ने, खूब मज़े किया। मतलब इस बार की होली तो और भी यादगार हो गई। मेरे घर पे ना होली तो हर बार यादगार ही रहती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि अब हर बार क्या होता था कि हम लोग डांस करते थे, मतलब लेडीज जो रहती थी, जेंट नहीं करते थे, लेकिन इस बार तो भैया ने भी खूब डांस किया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग मतलब डांस किए हैं, कभी भी नहीं, मतलब जब से हम खेल रहे हैं होली, जब से मैं आई हूँ तब से कभी नहीं देखा था कि वो लोग डांस करते हैं, लेकिन इस बार तो मतलब बहुत ही मज़ा आया। और आप लोग देख ही सकते हैं, देखने के बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने कितना नाचा होगा। अच्छा, एक चीज़ और होता है ना, जब सब लोग साथ में होते हैं ना, तो डांस का बाई स्टेप तो डांस होता ही नहीं है, जो चीज़ कूदने में मज़ा आता है ना, मैं तो ज़्यादातर कूदती हूँ, मुझे लगता है ऐसा। और हम लोग डांस तो कम करते हैं लेकिन मस्ती ज़्यादा करते हैं, ऐसे लगता है हू हा करके, मतलब बहुत मज़ा आता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। और फिर उसके बाद से जो मेरा अगला व्लॉग आएगा ना, वो आएगा महाकाल का। फिर उसके बाद से हम लोगों ने ओमकारेश्वर भगवान जी का दर्शन करके फिर चले गए महाकाल, और वो सब व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे दूसरे व्लॉग में। तो मेरा व्लॉग देखने के लिए ना, आप लोग एक बार फिर से मैं बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों ने भी खूब डांस किया, मतलब जो समर्थ और जो मेरे बच्चे थे छोटे छोटे ना, वो लोग तो थक ही नहीं रहे थे। और बाबू का मैं क्या बताऊँ, वो तो सुबह से लेके इतना होली खेला। और फिर होली खेलने के बाद से फिर मतलब शाम को जितना सब लोग साथ में डांस कर रहे थे ना, साथ में भी सबके डांस कर रहा था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो मतलब रुका हो, थक गया। फिर ये देखिए दोस्तों, ये मेरे घर के जेंट्स जो थे सब लोग डांस कर रहे थे, और यहाँ पे मतलब भैया, दोनों जेठ जी और मेरे जो नंदोई हैं वो, और ये और मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सब डांस कर रहे थे, करते करते फिर थक गए। फिर यहाँ पे हम दोनों मतलब ये और हम दोनों मतलब खूब डांस किए। फिर उसके बाद से यहाँ पे बाबू के साथ भी मैंने डांस किया। डांस करने के बाद ना सब लोग इतना थक गए थे कि क्या बताएं, रात के बज गए थे 12:30 या 1। उसके बाद से हम लोग खाना खाए, फिर सो गए। फिर उसके बाद से मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।